जो हमारे वीर जवान हैं, जो हमारे लिए रात दिन हमारी सुरक्षा में हर टाइम जो है सीमाओं पर खड़े रहते हैं और अपनी जान का जोखिम डालकर हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो मैं उनके लिए जो है आज मैंने ये श्रद्धांजलि अर्पित अपने समस्त जितने भी लोग हैं हमारे खोखा पटरी या हमारे व्यापारी भाइयों के द्वारा ये हमने सबसे सहयोग में करा था। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं इस लॉकडाउन में जो पूरे क्षेत्र में जितने व्यापारी भाई हैं, बैटरी वाला है, रेडी वाला है, रिक्शा वाला है, ऑटो वाला है, विक्रम वाला है, चाहे वो खोखा पटरी रेडी वाला क्यों ना हो, हम सारे लोग इस लॉकडाउन में जो है पूर्ण तरीके से बहुत पूरे तरीके से परेशान हैं। सरकार से हमारी मांग थी कि हम लोगों को बेरोजगार भत्ता पाँच हज़ार रुपये के महीना के हिसाब से हमें दिया जाए। अब गरीब आदमी है, हम कहाँ से किस्ते देंगे। हमें देखो कम से कम 6 महीने का टाइम चाहिए, 6 महीने बाद हम कुछ सोच पाएंगे इस चीज़ के लिए, उससे पहले फोर्स ना किया जाए। कुछ भी नहीं है, कुछ कारोबार नहीं है, रोटी तक खाने को नहीं है, कभी कभी मन करता है कुछ खा के ही लेट जाए, राशन नहीं कुछ नहीं, बहुत परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सबके कैसे करेंगे। जो हमारे जवान शहीद हुए हैं लद्दाख के अंदर, तो उनके लिए हमने आज श्रद्धांजलि हम महिलाओं ने और पुरुषों ने सबसे श्रद्धांजलि यहाँ के क्षेत्रवासियों ने दी है। विशेषकर यहाँ के जो भीम गोड़ा के बैटरी रिक्शा वाले हैं, रेडी पटरी वाले हैं, तो जो सभी चीज़ हैं, सब जो लोग आए हुए हैं, सब लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। आगे मंत्री जी, आज अगर हमारे बीच में आप लोग नहीं उठ कर हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलोगे, आने वाले समय में सन 2022 में हम आपका पूर्ण तरीके से बहिष्कार करेंगे, जितना भी छोटा वर्ग होगा। सन 2022 में ये जनता आपको जवाब देगी और पूरे तरीके से देगी।